Good morning, class UKG. Today, our first subject is English, right? So, you all have to open uh, your book, Ready with Rogson. Take a first page, page number five. I hope you all. ऑलरेडी है लिख के कम्प्लीट कर लिया जिन बच्चों ने अभी तक कम्प्लीट नहीं किया वो यहाँ ए से लेकर जेड तक जो थ्रेस करना है आप करके कम्प्लीट करोगे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स राइट इन इस क्लास में हम रीड करेंगे न्यू वर्ड्स की ठीक है हमें कुछ न्यू वर्ड्स आज सीखने को मिलेगा और इन्हें हम पहचानेंगे बोलना सीखेंगे और लाउडली हम इसको रीड करेंगे ठीक है हम यहाँ पे एटीन वर्ड्स दिया हुआ है दो रो में हम सिक्स वर्ड्स करेंगे आज के क्लास में ठीक है पेज नंबर है आपका सेवन टू लेटर वर्ड्स ज्वाइन द साउंड साउंड को ज्वाइन करना है ऑफ द टू लेटर्स टू लेटर्स की साउंड को ज्वाइन करना है एंड मेक बनाना है अ टू लेटर वर्ड टू लेटर वर्ड आपको बनाना है रीड इट अलाउड जोर से तेज तेज से आपको बोलना है ए एम 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 ए एन एन मेरे साथ साथ आप बोलोगे a m m a n n a t at if eve -F. again A-M-M -M. A -N -N. A एट f एफ s I S E, I T Eight, ठीक है आपको यहां से लेकर यहां तक आज आपको इसको रीड आउट करना है और बार बार बोलते रहना है जब तक आपको इसके व इसकी जो स्पेलिंग है ये आपको याद ना हो जाए ठीक है ए एम एम ए एन एन ए टी एट आई I, I S E S, I T टी T, ठीक है ये आज का आपका रीडिंग सेशन है जिसपे आप बोलना भी सीखोगे और लर्न भी करोगे किस तरह से दो अक्षर को दो लेटर्स को मिला के एक वर्ड एक शब्द आपको मिल रहा है ठीक है इसके बाद आपको होमवर्क में क्या करना है आपकी कर्सिव राइटिंग की बुक्स ओपन करने हैं और कर्सिव राइटिंग की जो फर्स्ट पेज पेज है नंबर आपको कंप्लीट करना है पैटर्न ठीक है फर्स्ट आपको उसको ट्रेस करना है आपको मालूम है इसको ट्रेस कैसे करते हैं नर्सरी में भी सीखे हो एल में भी करे हो राइट और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है ठीक है आप कॉपी करने के लिए पहले आप जो बिंदु है डॉट से इसको आप ड्रॉ कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और लाइन सीधा होना चाहिए ठीक है जिन बच्चों की लाइन सीधी नहीं होती है अभी तक उन बच्चों को दोबारा मौका मिल रहा है इसको करने के लिए आपको यहाँ पे सेवन एल है आप यहाँ पे सिक्स सिक्स बना लो डज मैटर ठीक है इसको आपको कंप्लीट करना है सो so आपका इंग्लिश की रीडिंग लर्निंग एंड राइटिंग सेशन कंप्लीट होता है जो कि आपको आज की क्लास में और होमवर्क में कंप्लीट करना है थैंक यू